तो स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के टोटल 30 एमसीक्यू करने वाले हैं। आज आपका कंप्यूटर का पार्ट वन वीडियो है। ठीक है, पार्ट वन वीडियो लेकर आए हैं। कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में कल के सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही थी, उसमें क्विस्टोन ने पूछा था कि कंप्यूटर की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो आज मैं आप सभी को कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पार्ट वन वीडियो जो आपके सीजी व्यापम और पीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही आप सभी के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ कि छात्रावास अधीक्षक की जो क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर चल रही है, छात्रावास अधीक्षक की क्लासेस। साथ ही एसआई भर्ती की क्लासेस 6 नवंबर को जो होना था उसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के 30 एमसीक्यू जो कि टोटल आपको 10 दिनों के लिए क्रैश कोर्स है, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहेगी। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाएं वीडियो पर, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कल का जो क्लासेस हुए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो कि व्यापम और पीएससी का जो पूछा गया क्वेश्चन था वो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल के साथ मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस करवा चुका हूँ। 1 नवंबर से प्रारंभ हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन हो रहा है क्लास स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसे रट लीजिएगा। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपको 30 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, 90% गारंटी देता हूँ। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। ठीक है, अगर यहाँ तक का क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि 30 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है। तो चलिए ये सब कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, इसके बाद आउटपुट क्लास का डिवाइस चल रहा है। ठीक है, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, यानी कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इनपुट डिवाइस कौन सा है इसको नोट कर लेते हैं। इसको एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको मैं टोटल 30 एमसीक्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर बने रहें लास्ट वीडियो पर। अगर जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन की घंटी रहता है उसको ऑल पर सेट कर लेना। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, रोहन और मोहन का आंसर आ चुका है, गीता का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, क्या है, सभी इनपुट डिवाइस हैं, ऑल ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी क्या है, एक इनपुट डिवाइस हैं। कौन वर राहुल, क्या है, गीता का आंसर गलत हो रहा है, गीता कैसे आएगा, ये सभी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है। ठीक, ये सभी तीनों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब चलिए इनपुट डिवाइस होता क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस को नोट कर लीजिएगा, ऐसे डिवाइस जिसके हम डाटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। ठीक है, मैं आप सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर से छात्रावास अधीक्षक में टोटल 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप 50 में 25 नंबर नहीं लाते तो आपका एग्ज़ाम फेल माने जाएगा, आपका पेपर चेक नहीं होगा, यानी कि ओ एम आर सीट आपका चेक नहीं किया जाए। चाहे आप गणित में पूरा नंबर लाए, चाहे हिंदी में पूरा नंबर लाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आज से क्लास में जुट जाइएगा डेली क्लासेस करने के लिए। ठीक है, जो लोग छात्रावास अधीक्षक में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हम तैयार हैं छात्रावास अधीक्षक की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए सब अपना अपना नाम बताइएगा कमेंट में कि हम छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे, डेली क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 2 से 3 लोगों का नाम लिख चुका है यहाँ पर, क्या नाम है, राकेश और मोहन ने अपना नाम कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, जितने भी छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार
आपका नाम कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही देखिए, एक स्टूडेंट ने राज्य अलंकरण से पुरस्कार वाला जो वीडियो बनाया था वो पूछा था, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया हूँ, जाइए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया गया है राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 के संबंध में। देखिए, जो राज्य अलंकार हुआ था 2022 में हाल ही में, उसमें कितने लोगों को दिया था, 33 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 33 लोगों को राज्य अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? राज्य अलंकरण से राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा। ठीक है, ये 1 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, 1 नवंबर को स्थापित किया गया, घोषणा की गई है। ठीक है, देने के 33 लोगों को। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का, कि जो कुछ कंप्यूटर में टाइप या सबमिट ट्रांसमिट किया जाता है, टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। जो ट्रांसमिट करते हैं उसको इनपुट कहते हैं। वेरी गुड गीता, वेरी गुड। चलिए, एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होता क्या है? जो कंप्यूटर प्रणाली में होता है इनपुट डिवाइस होता है। जो दिया गया प्रणाली होता है वो क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ना ये वाला होगा, ये आपका डी हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए कि इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इनपुट डिवाइस के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? इनपुट डिवाइस के लिए। चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ए माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि एक माउस ट्रैक बॉल का जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। ए, आप सभी के लिए, जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी भी पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, मैं दोनों भाषा का लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, ए माउस ए ट्रैक बॉल एंड अ जॉयस्टिक आर एग्जांपल ऑफ, यानी कि माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक का निम्नलिखित उदाहरण है। तो ये कौन सा उदाहरण? पॉइंटिंग डिवाइसेस है। कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक क्या है, जल्दी बताइए। जॉयस्टिक, ये जो है जॉयस्टिक क्या है? एक प्रकार का इनपुट है या आउटपुट है? ये उपयुक्त व्याख्या देखिए। ठीक है, दोनों क्या है? एक इनपुट और आउटपुट है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या क्या है? चलिए, इसका क्या होगा? इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। इनपुट डिवाइस कौन सा है? आप सभी को पहले बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ये फर्स्ट क्लासेस है, ये आपका पार्ट वन वीडियो है। ठीक है, पार्ट वन वीडियो है कंप्यूटर का, ये टोटल आपको 30 MCQ कराया जाएगा, जो कि आपकी CG व्यापम और PSC में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, CG व्यापम और PSC में। ठीक है, ओके, चलिए इसका आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइस में सभी, ऑल ऑफ दिस, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। याद नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनपुट डिवाइस के लिए। ठीक, चलिए, ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जो ट्रैक बॉल होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। कौन सा? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ट्रैक बॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के लिए मैं लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू दिस, माउस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो टच पैड है, यानी कि टच पैड विकल्प दिया गया है आपको, किसका उदाहरण है? माउस एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, माउस इज ए अकल्प है, तो विकल्प टच पैड का उदाहरण बताइए क्या होगा? टच पैड इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द माउस इज ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि टच पैड का उदाहरण क्या होगा, जल्दी से बताइए। सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, या पॉइंटिंग डिवाइस, या टेम्पररी डिवाइस? इसका आंसर देखिए, जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है वही आपका टच पैड होता है। ठीक है, टच पैड को रिस्पॉन्ड करता है कौन करता है? रिस्पॉन्ड। टच पैड को रिस्पॉन्ड कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर। जो प्रेशर होता है वही इसका, हाँ बिल्कुल राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता? तो इनपुट यूनिट से कौन सा है जो नहीं जुड़ता? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, बिल्कुल गलत। बी क्या है? यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझता है, बिल्कुल भी गलत। तीसरा है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, बिल्कुल राइट है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसके लिए सुधारने के लिए किया जाता है?
डी ओसीआर, ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्यों किया जाता है तो इसको नोट करते हुए चलेगा, जो प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है स्कैनर द्वारा, स्कैन के लिए डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है जिसके लिए चित्र को एडिट कर सकते हैं परंतु टेक्स्ट में नहीं। ओसीआर का मतलब ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन टेप्ड हैबिटमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसे सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके, ठीक है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है तो ओसीआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है ओसीआर का पूर्ण रूप मैं आप सभी को बता चुका हूँ। उसके बाद ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है आप कमेंट में जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, सीडी रोम बारकोड कीबोर्ड क्या होगा या फिर कीबोर्ड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि रीडर किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है तो आपका हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस नोट कीजिएगा, इनपुट डिवाइस जो कि ऑप्टिकल चैरेक्टर रिकॉग्निशन ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है तो आपको माइक्रो प्रोसेसर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि माउस फ्लॉपी ड्राइव ये बिल्कुल क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब नोट में इसको देखिएगा, फ्लॉपी ड्राइव की बोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन डिजिटल कैमरा तथा कीबोर्ड क्या है, सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, सभी इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डिजिटल डाटा को इनपुट के रूप में एक्सपेक्ट कर इसे अपनी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउट देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में 2 से 3 नंबर यहाँ से एग्जाम में पहुँच जाते हैं, ठीक है, यानी कि आने की संभावनाएँ हैं 90% है, ठीक है, जो आने की जो संभावनाएँ हैं 90% की गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है, 90% आपको गारंटी देता हूँ आने की संभावनाएँ बिल्कुल बनती है। चलिए कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइस है वो आपका हो जाएगा प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस का उपकरण है, इनपुट डिवाइस का उपकरण कौन सा है, ये सब भी है क्या है, ये सभी है ना इनपुट। चलिए कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन के उदाहरण क्या है, कीबोर्ड जो है स्कैनर और माइक्रोफोन के उदाहरण क्या है, 19 का आपका हो जाएगा बी इनपुट डिवाइस, जो कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो आपका माउस लाइट पेन या वीडियो, ये वीडियो क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस और लाइट पेन क्या है, सब इनपुट डिवाइस ऐसा है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस की युक्ति कौन सी है, इनपुट डिवाइस की युक्ति कौन सी है, प्रिंटर माउस सीपीयू या मॉनिटर, फिर मैं बता रहा हूँ आपको ये बी आएगा, ठीक है, माउस। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन जो है लाइट पेन क्या एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है, लाइट पेन क्या है जल्दी से कमेंट करें। माइक्रो टिप पेन क्या होगा इसका आंसर, माइक्रो टिप पेन इनपुट डिवाइस, रातोलिंगोर्ड या फिर कीबोर्ड या एल्गोरिथम क्या आएगा इसका आंसर, बी आएगा ना, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है, जो डाटा होता है उसको क्या कहा जाता है जल्दी से बताइएगा। कलर का SBI कलर का 2008 में पूछा गया है, ठीक है, इन कंप्यूटर में जो, हाँ बिल्कुल सही है, आ गया आंसर इसका, आ गया आंसर, ठीक है, वेरी गुड, क्या है इनपुट आया है ना तुम्हारा, बिल्कुल सही है इनपुट है। देखिए डिटेल में आपको बताता हूँ,
जो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कि यूजर द्वारा किसी पर एक डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि का प्रयोग उपयोग कर डाटा में इंटर करते हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि इनपुट डिवाइसेस किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो माउस है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, यह आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ये आपका डी होगा ना, माउस कीबोर्ड और स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो प्रिंटर है आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। इसमें भी आया है प्रिंटर आउटपुट है, ये भी देखिए यहाँ पर आउटपुट है, मॉनिटर प्रिंटर आउटपुट है, यहाँ पर इनपुट पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होता है? तो कीबोर्ड किस में शामिल होता है? प्रिंटिंग में, आउटपुट में, पॉइंटिंग में, स्टोरेज में, किस में शामिल होता है? कमेंट में जल्दी बताएं क्या है आंसर, क्यों इसमें नहीं है? बिल्कुल सही है। चलिए, निम्नलिखित में के भिन्न का विकल्प चुनाव करना है, बाहरी हार्ड, ये एग्जाम में नहीं आता ना, इसको छोड़ दो। इसको बताइए कि कीबोर्ड प्रकार क्या है? जो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार क्या है? सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, बोथ ऑफ ए एंड बी, यानी कि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा जो कीबोर्ड का प्रकार है वो क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं है ना, नॉन ऑफ दिस। ये बोर्ड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। एक कीबोर्ड इज यूज, यानी कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर, यानी कि शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टू क्रिएट न्यू क्यूज यू विद द कंप्यूटर, वी यूअर कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर का साथ प्रयोग करने की नई कुंजी, यानी कि क्रिएट यूज की, यानी कि नई कुंजी बनाने के लिए, या फिर टू ओपन द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को खोलने के लिए, टू ओपन द कंप्यूटर। फॉर ऑल दिस, फॉर ऑल दिस, इसका आंसर क्या आएगा? तो आपका इसका आंसर आ जाएगा आपको फर्स्ट, टू इंटर टेक्स, यानी कि टू टेक्स शब्द और संख्याएं, जो कि नंबर्स, यानी कि कंप्यूटर को जो कमांड देती है, संख्या देती है, उसको कमांड्स में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति नहीं है पूछा गया, ट्रम्पेट प्लॉट, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन या डिजिटल कैमरा। क्या आएगा इसका आंसर? डी। ठीक है, बिल्कुल राइट, डी आ जाएगा इसका आंसर। रवि का आंसर बिल्कुल राइट है, डी आया है। चलिए, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है जल्दी बताइए, आउटपुट होता क्या है? जो आउटपुट है, जो प्रोसेसर यूजर देता है, जो यूजर प्रोसेसर देता है, जो प्रोसेसर को यूजर मिलता है, जो प्रोसेसर यूजर देता है, क्या आएगा आंसर? या इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा जल्दी बताइए। चलिए, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा? तो आउटपुट डिवाइस होता है क्या है? जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस होता है उसको यूजर को दे देता है, जो प्रोसेस होता है उस यूजर को दे देता है, जो हम यूज करते हैं उसको देता है, वही आउटपुट है। जैसे कि कोई कागज को प्रिंट करते हैं, ये एक मॉनिटर है, ठीक है, और ये एक प्रिंटर है, वहाँ से हम कुछ कागज या यहाँ से टाइप करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, बाहर आउटपुट आता है, प्रदान करता है, कुछ पेपर वेपर से टाइप करते हैं, उसको आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर मॉनिटर हो गया, यहाँ पर टाइप करते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड का रहता है, तो यहाँ पर एक जो प्रिंटर निकालने का मशीन रहता है, वहाँ से एक पेपर निकाला जाता है, वही आपका आउटपुट होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? जो इसका आंसर आप कमेंट में जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने छात्रों से दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, क्या आएगा? डाटा, आउटपुट, इनपुट या इनमें से कोई नहीं, क्या आएगा?
जल्दी से कमेंट करें, और साथ ही छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं अब केवल उन्हीं को नोटिफिकेशन भेजूंगा जो वीडियो को सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टोटल 30 MCQ लाए थे, यह पार्ट वन वीडियो था, ठीक है। पार्ट टू वीडियो में आपको टोटल कल से 50 क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा व्यापम और PSC में, ठीक है। पार्ट टू वीडियो कल के क्लासेस में रहेगी, आज पार्ट वन वीडियो था, ये आपका 30 MCQ का था, कल आपको 50 MCQ कराए जाएंगे, यानी कि 10 दिनों का टोटल क्रैश कोर्स है, लाभ ही लाभ मिलेगा आप सभी को, ठीक है। 90% गारंटी देता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं।